लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जा महंगी वाली घड़ी उतार। नहीं दूंगा। अपनी जान की परवाह ना है तुझे, उससे ज्यादा प्यारी तुझे थारी घड़ी है। इसकी भी परवाह नहीं क्या? इनको बोलो छोड़े। मैं हीरो कहूं के मिस्टर नून। अरे तू तो सोने की मुर्गी है। भैया जी पुलिस आ रही है। चल बाहर कीजिए। अरे अरे लग जल्दी। प्लीज आप ऋत्विक को छोड़ दीजिए। अरे प्लीज। अरे ले आ जल्दी रख। पलक प्लीज जाओ यहाँ से। अरे जल्दी रख। प्लीज आप ऋत्विक को छोड़ दीजिए। चुप कर प्लीज। ए अगर उसको कुछ खाना तो एक भी रुपया नहीं मिलेगा, पहले बोल रहा हूँ। अरे तुम अपने चिंता करो प्लीज। प्लीज गो फ्रॉम हियर पलक। ऐसे पेड़ से बांध दे। प्लीज प्लीज। ऋतिक को ऐसे ले जाने नहीं दे सकती मैं। पता नहीं लोग ऐसे कहाँ जाएंगे, उसको कहाँ लेके जाएंगे। आई हैव टू डू समथिंग। जिंदा क्या मर गया? नो इसकी तो सांसें चल रही है। गोली लगता है बाजू को छूकर निकल गई। तुम ठीक हो ना? मैंने कहा था ना भागने के लिए, तुम भागे क्यों नहीं? I was distracting them, क्यों नहीं भागे? तुम्हें छोड़ के नहीं पलक, कभी नहीं। तुम्हें भागना होगा। ऋतिक भागो। ए, ए, रुक जा। ए, पलक। देखो देखो मैं शक्ल देख लिया तो मैं पुलिस को बता दूंगी। अरे तुझे तो मैंने पहले मार देना चाहिए था। Thank you.
अच्छा काम आ रहा है तेने। रुक जा। तुम जाओ यार फिर। तू इसे बचा रहा या तुझे बचा रही? हम बीच में पिस रहे हैं? तुम मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ यहाँ से। अरे तंग आ गया, थक गया मैं थारी लव स्टोरी से। आगे ना बढ़िए, मैं ढेर कर दूंगा यहीं से। मैं आपको और पैसे लाके दूंगा, जितने जितने पैसे चाहिए मैं आपको और लाके दूंगा। ये इसको कुछ होता तो देगा। इब शांति से यहीं खड़े रहे। मैं यहीं खड़ा हूं। ये दे मुझे पलक। दे दो उनको वायरलेस। पलक क्या कर रही हो तुम? जल्दी आ जाइए लेक पे। ये गुंडे भी यहीं पे हैं, ऋत्विक भी यहीं पे है। प्लीज आप जल्दी आ जाइए, सब यहीं पे। पलक डोंट। पलक साइड पहुंच रहे हैं। अरे पुलिस आ रही, इसे छोड़ भाग यहां से। अमन प्लीज जल्दी चला, बहुत लेट हो रहे, प्लीज जल्दी चला ना। अरे यार अगर तुम लोग ऐसे टेंस हो गए तो कैसे चलेगा यार? आई एम टेंस अमन, प्लीज यार प्लीज कुछ कर। पलक उठो, पलक, पलक, उठो प्लीज, प्लीज उठो पलक, पलक उठो, पलक, पलक। रोहित एक बार पुलिस को फोन कर ले, दे मेरे पास फोन है। अरे ये हाँ, ले। दे।
अलग अलग प्लीज प्लीज। थैंक यू, कांट गो। कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। पागल हो क्या? ये सब करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? हाँ, फॉर अ मोमेंट आई थॉट अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना पालक तो मैं मर जाता। यू गेट दैट? डोंट एवर डू दैट। और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? रिक्की वहां नहीं है, उस तरफ है रोड के, चल। आर यू ओके? क्या हुआ तुझे? रिक्की उस तरफ है, लेक साइड पे, चलो। हाँ, वो पुलिस ने कहा था कि वो लोग ये कहीं पे होंगे ना। आर यू ओके? आर यू ओके? इतना घना जंगल ब्रो, और इट्स सो डार्क, स्कैरी। वापस ये किडनैपिंग, मुझे लगा मैंने रिक्की को खो दिया। आई थॉट आई लॉस्ट हिम। फाइन, ही इज फाइन, ही इज फाइन। ऋत्विक, ऋत्विक, पलक, पलक। प्लीज घर पे फोन करके बता दो कि सब कुछ ठीक है और रिक्की रोहित दोनों ठीक है। और प्लीज ये किडनैपिंग वगैरह की बात फिलहाल घर पे मत बताना। आई थिंक जब तक घर नहीं पहुंचना, लेट्स जस्ट कीप दीस थिंग्स टू आवरसेल्व्स। या पहले हॉस्पिटल चलते हैं, सेतु भी वहीं है।
या चलो। चलो जी, बच्चों से मेरी बात होगी, दे ऑन द वे बैक। आप लोगों को थोड़ी रेस्ट मिली कि नहीं, सोए फ्लाइट पे? काय का सोना ममता जी, पूरी ने दिल दुखा दिया। सिर्फ मेरे साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। ओ ये पूरी भी ना छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना देता है। छठ विजय, तू ये सब सोच मत। Exactly, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। यहाँ आके मुझे लग रहा है हम लोगों ने थोड़ी जल्दी कर दिया हमारे साले। तेरे कहने का मतलब किएगा? आई अग्री कि रोहित के भाग के शादी करने का आइडिया गलत या, लेकिन उसमें ऋत्विक की कोई गलती नहीं थी। रिकी बस रोहित को वापस लाने के लिए गया था। है, दादी सही कह रही है, पूरी अंकल को बात का पतंगड़ बनाने की आदत है। Exactly, और रोहित और सेतु की शादी को तोड़कर उन्हें क्या मिला? आई मीन डैड, उन्होंने बहुत गलत किया। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से रिकी और अनन्या का रिश्ता टूटे। अनु तो सारे नु पता है कि नहीं मिलता थे बाद और राजी हो जाती इस विवाह के बाद, और अनन्या से ज्यादा सही लड़की उसे नहीं मिलेगी। आई नो इट। यू डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ममता जी, मैं नहीं चाहता कि साडा मुंडा लाइफ में अकेला रह जाए। क्या सीरियसली, हमारी फैमिली में सब फालतू में हाइपर होते। की बकवास कर रहे हैं तू? है, इट वाजंट सच अ बिग डील, हम लोग ये वहां से भी हैंडल कर सकते थे डैड, बट यू ऑल्सो नो कि वहां पे क्या हुआ है मेरे साथ। आपने खुद मुझे कहा, आई एम जस्ट सेइंग दैट वी कुड हैव गॉन ऑन विद व्हाट वी वर डूइंग, दैट्स इट। और फैमिली जरूरी है या काम? एक्सक्यूज मी, रिश्ता आई विल टेक केयर। कॉफी पियो। ओके फाइन, मैं गुस्सा नहीं हूँ मॉम, बट मुझे भी रिक्की की शादी की टेंशन है यार। कम ऑन पापा, है तुम्हें पता है विजय कितना टेंशन लेती है। हाँ ठीक है, मैं मना लूंगा, लेकिन कल सुबह। अब भी यार मॉम, कम ऑन यार, मेरी भी तो ईगो है। और यार मॉम, यू सॉ मैं कैसे तशन से निकला हूँ कॉन्वर्सेशन से बाहर। यार थोड़ा तो मेंटेन करने दो। मेरा बच्चा, चल प्लीज गिव मी फोन बैक। 5 मिनट्स, एक ग्लास यार। तुम्हारे हाथ में फोन क्या कर रहा है? सुनाया का? एग्जैक्ट मॉम, ये मेरे फोन से ना अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। इतनी रात को तुम किस किस से बात करते रहते? पर किस एक उसके फोन से बात भी क्यों कर रहा है? मॉम ने मेरा फोन कॉन्फिस्केट कर लिया, मैं क्या करूं? Obviously पढ़ाई इनसे होती नहीं, रात रात को ये गर्लफ्रेंड से बात करते रहते हैं। What do you expect me to do but not confiscate? बच्चा है, कोई बात नहीं, जाओ यहाँ से। फोन देना प्लीज। अगर इस बच्चे ने एग्जाम में फेल होना ना, तो सोटी लेके मैंने इसके पीछे जाना है। मॉम इसे ऋतिक कब आ रहा है? So glad तुझे कुछ नहीं हुआ ऋत्विक। लकीली तुम दोनों को कोई भी इंटरनल इंजरीज नहीं है, मैं आपके फैमिली मेंबर्स को भेजता हूं। आई एम सो ग्लैड तुझे कुछ नहीं हुआ ऋत्विक। चल भाई, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आई एम गुड, आई एम गुड, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है हम घर जा सकते हैं, सो दैट्स गुड न्यूज। भाई आपने डरा ही दिया था यार इतनी बुरी तरह, और पता है घर पे सारे कितने वरिड हैं, कुछ आइडिया है लाइफ में? मामा एंड डैड को तो नहीं मालूम ना कि किडनैपिंग के बारे में, बेकार में ही टेंशन हो जाएगी उन्हें। डूड पता होना चाहिए, यू मैड ओवर व्हाट, इतना कुछ हो गया उनको बताएंगे ना, छुपा नहीं सकते ना इसे। शादी को लेके सब परेशान है और गुस्से में है, और ये किडनैपिंग के बारे में पता चल जाएगा तो मॉम डैड मेरा खून कर देंगे। हाँ हमने गलती की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि। अरे हाँ भाई, हम नहीं बताएंगे, लेकिन वो कमिश्नर अंकल तो बता देंगे। अरे वो तो बता देंगे कि तुम लोग किडनैप हुए थे। और कमिश्नर अंकल से मैंने बात की है, वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे जब तक मेरे और सेतु की शादी नहीं हो जाती। कितना हैंडल दिस है, हम लोग एडल्ट्स हैं, एंड आई एग्री विद हिम, क्योंकि
This word itself is so dramatic, man. Mom, dad. I mean, किसी के भी parents को ये पता चल गया तो बेकार की tension लेके बैठ जाएंगे यार. I'm alright. I'll be fine. अब चलें, please. First thing, I want to go home and take a shower. Yeah, you need one. अच्छा, मैं पलक को लेके आती हूँ. Okay, guys. चलें फिर. चलें. Hey, girl. You alright? Yes. Let's go. सेतु. तो I'm so happy, finally. तुमसे ज़्यादा खुशी ना मुझे और ये खुशी मेरे सेतु के चेहरे पर हमेशा रहनी चाहिए. हुँ?